इधर में, ठीक है, ओके। लास्ट टाइम प्लीज साइलेंस, लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया? लास्ट टाइम हमने इस शीट को स्टार्ट किया था, राइट इस शीट को स्टार्ट किया, और इस शीट के अंदर ये एग्जांपल हमने कर लिया था, ये सब शीट्स हमने कवर की, ये पेजेस सारे कवर किए, और ये एग्जांपल भी किया था, ये एग्जांपल लास्ट था हमारा, यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट। देखो क्वेश्चन इज कि एक स्प्रिंग है, एक मास है M1, M1 मीन पोजीशन पे है, खींच दिया छोड़ दिया, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम, M1 की बात हो रही है, दो मिनट M2 भूल जाओ। जैसे ही M1 मूव कर रहा था, इसके ऊपर M2 भी रखा हुआ है, M2 M1 के साथ मूव कर रहा है, और मैं ये चाहता हूं कि ओमेगा निकालो, ओमेगा का मतलब टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड से ओमेगा निकलता है, बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो ओमेगा निकालो कि M1 और M2 आपस में सेपरेट ना हो, अलग ना हो, राइट। तब इस केस में अगर M1 M2 आपस में सेपरेट ना हो, सोचो अगर टाइम पीरियड बहुत छोटा हुआ, बहुत जल्दी जल्दी आ जाएगा, ऐसे मूव करेगा, जल्दी मूव करेगा नीचे वाला ब्लॉक, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगेगी, क्योंकि नीचे वाला ब्लॉक जब कार की तरह एक्सलरेट कर रहा होगा तो ऊपर वाला ब्लॉक सूडो फोर्स की वजह से पीछे गिर जाएगा। लेकिन अगर स्लो मूव करेगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि M1 M2 आपस में सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि अगर नीचे की एक्सलेशन कम होगी, सूडो फोर्स कम लगेगी, तो ऊपर वाला ब्लॉक सेपरेट नहीं हो पाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो यानी कि टाइम पीरियड पे सब कुछ डिपेंड करता है, टाइम पीरियड का मतलब ओमेगा एक ही बात है, क्योंकि टाइम पीरियड निकालने का मतलब ओमेगा निकालना एक ही बात है, तो हमारी जो बुक्स हैं वो ओमेगा में काम करती हैं, टाइम पीरियड में काम नहीं करती, तो इसलिए वो ओमेगा पूछ रहा है। बोलो कितना हो, ज्यादा रखें कम रखें, कितना रखें कि M1 M2 से सेपरेट ना हो पाए। सबसे पहली चीज ध्यान से देखना, SHM के रिजल्ट्स, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है SHM में किसी भी पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम की? जीरो, मैक्सिमम जीरो, राइट। एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन क्या होती है? अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी, फिर कहते पढ़ के आए हैं, मैक्सिमम है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है यहां पर? मैक्सिमम, तो रिस्टोरिंग एक्सेलेरेशन भी क्या होती है? मैक्सिमम, राइट। तो यानी कि जब ये मास M2, M1 rather, एक्सट्रीम पे होगा, एक्सट्रीम पे क्या, अब M1 की वापस आने की बारी है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर M1, नीचे M1 ड्रॉ कर लेना ऐसे, M1 डॉट डॉट डॉट, M1 कहां आ रहा है? इस तरफ। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर M1 की वापस आने की एक्सेलेरेशन क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीम, और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला SHM में क्या होता है? एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। तो नीचे वाला ब्लॉक M1 कहां आने की कोशिश करेगा? एक्सट्रीम पे, राइट। तो सूडो फोर्स M2 के ऊपर लगेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि अगर M1 इधर आ रहा है तो सूडो फोर्स पीछे लग रही है, और कितनी लग रही है? मास ऑफ M2 इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ M1, क्योंकि M1 A max के साथ इस तरफ आ रहा है, तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? पीछे। कोई डाउट इसमें? तो ये डायग्राम मैंने एक्सट्रीम पे बनाया, समझ में आया क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सूडो फोर्स कहां लगने वाली है? एट एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर M2 ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब M1 इधर आने की कोशिश करेगा। ये सेपरेट क्यों नहीं होगा? कौन बचाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो M2 की सूडो फोर्स चाहती है कि M2 इधर जाए, लेकिन फ्रिक्शन को कहां एड करना पड़ेगा? इस तरफ। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम्स एम टू जी। तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे बड़ी हो जाती है, फिर ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इससे बड़ी हो जाती है, सूडो फोर्स से सेपरेशन नहीं हो पाएगा। M2 से M2 क्या हो गया? कैंसिल। मैक्सिमम एक्सेलेरेशन क्या होता है? a ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाय a, ओमेगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय, आंसर आ गया। तो अगर ओमेगा इससे कम होगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके इक्वल होगा, तो सेपरेशन नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो कौन फ्रिक्शन का क्वेश्चन नहीं आता, या फ्रिक्शन का ही क्वेश्चन आएगा? ये देखो, फ्रिक्शन भी टेस्ट होगी, सूडो फोर्स भी टेस्ट हो गया, और SHM तो फ्री में टेस्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन तो बनते ही आने। पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो
फोर्स के ऊपर ही क्वेश्चन था, एसएचएम का ज्यादा रोल था नहीं। हमने डेरिवेशन की एसएचएम एक स्प्रिंग टेंसर ब्लॉक है, उसको अगर नीचे खींच दिया जाए स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है के वाई या माइनस के वाई जो ब्लॉक को ऊपर लेके आती है, और हम उसमें क्या निकालते हैं टाइम पीरियड या ओमेगा निकालते हैं। फिर हमने एक फ्लोटिंग बॉडी की, जब एक बॉडी तैर रही होती है उसको डिस्प्लेस किया जाता है तो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, दो डेरिवेशंस की थी। कंपटीशन वालों ने दोनों को मिक्स कर दिया, उन्होंने कहा एक बॉडी फ्लोट कर रही थी, ऊपर क्या लगा हुआ था स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे, आपने क्या किया इसे नीचे डिस्प्लेस कर दिया, कितना एक्स, तो स्प्रिंग क्या हो गया एक्सपैंड, स्प्रिंग में क्या डेवलप हुई रिस्टोरिंग फोर्स, और जबरदस्ती आपने नीचे किया तो ये जबरदस्ती वाला पोर्शन एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट जनरेट करेगा ऊपर की तरफ एक्स पोर्शन, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी स्प्रिंग की वजह से क्या आएगी माइनस के एक्स, क्योंकि आपने एक्स खींच दिया इसे नीचे की तरफ तो स्प्रिंग की फोर्स कितनी डेवलप हो जाएगी के एक्स ऊपर की तरफ ये रहा, और साथ में आपने एक्स पोर्शन जबरदस्ती नीचे किया तो एक्स पोर्शन का लिक्विड डिस्प्लेस अपथ्रस्ट की तरह काम करेगा, तो क्या लिखा एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट ड्यू टू पोर्शन एक्स ओनली, क्योंकि उसके जो अगर ना डुबोते तो इतना तो तैर ही रही थी, हमने ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी किया हुआ है, हमने डेरिवेशन ही की आप करके आए होंगे, उसने y डिस्प्लेस किया तो y का एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लेते हैं, तो आपने x डिस्प्लेस किया x का एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लिया, ठीक, तो दो 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 रिस्टोरिंग फोर्स इसमें ऐड करेंगी एक स्प्रिंग की और एक एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट की, अपथ्रस्ट कितने पोर्शन का एक्स्ट्रा वॉल्यूम बोलो लिक्विड का यहां पर क्या होगा एरिया इंटू एक्स इंटू डेंसिटी इंटू जी, और अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसकी यूज करते हैं लिक्विड की, तो ये क्या आ गई रिस्टोरिंग फोर्स जो कि क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास से डिवाइड किया, तो ये कांस्टेंट है कांस्टेंट 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 दिख रहा है एसएचएम, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, तो यहां से टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, मतलब दो डेरिवेशंस को ऐसा नहीं लग रहा मिक्स कर दिया जो एनसीईआरटी की डेरिवेशंस है स्प्रिंग वाली और एक्स्ट्रा थ्रस्ट वाली, राइट right? अब क्योंकि थर्ड लेक्चर है तो थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कैसे काम करती है, अब यूज टू हो चुके हो, पहले दिन यूज टू नहीं थे मैथमेटिकल पोर्शन था, फिर सेकेंड डे हमने किया डेरिवेशंस की यूज टू नहीं थे, अजीब लग रहा था कैसे होगा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कैसे कि मुझे आ रहा है, अच्छा ठीक है आपको भी थोड़ा थोड़ा बेटर फील हो रहा हो, मुझे पता लगे मेरा आ रहा है, वाह क्या बात है यार मैं भी खुश होता रहूं, ठीक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के हमेशा की तरह, ठीक तो देखते हैं और कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो बेसिकली एक क्वेश्चन है ये बहुत बार ऐसा आया भी हुआ नीट में और मेंस में दोनों में आया है, आज मेंस का पेपर था देखते हैं आज, अब मैंने व्हाट्सएप पे किया भी है थोड़ा बहुत जो जो पहला एनालिसिस आ रहा है इंटरनेट पे वो लिख दिया, अभी बच्चे भी देख के आएंगे दो चार दिनों में और भी नेट पे क्वेश्चन भी आएंगे और सब कुछ आएगा, होगा थोड़ा बहुत कि जो फिजिक्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के दो क्वेश्चन आए, दो बहुत होते हैं थर्मो थर्मो करके दो बहुत, मैकेनिक्स ट्रिकी थी हमेशा की तरह ट्रिकी रहती है, थोड़ा देख के पता लगेगा, मैंने देखा तो नहीं है तो रिलीज करेंगे तब देखेंगे, बट क्या लोगों की फीडबैक क्या है, मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, एक बंदा ना प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक तो प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है और बंदा इसके ऊपर खड़ा है और एसएचएम में है प्लेटफॉर्म, स्प्रिंग स्प्रिंग लगा होगा जिसके साथ वो ऊपर नीचे मूव करता है, वो हमारी हेडेक नहीं है, वो बोल रहा है एसएचएम में, बड़ी खुशी की बात है एसएचएम में, ठीक है मतलब पीरियोडिक मोशन है ऊपर नीचे मूव कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड ए का मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म की अगर मीन है एक्सट्रीम पे जाता था ए ए ए और ए, तो ए ऊपर और ए नीचे, तो दो एक्सट्रीम्स हो गई, ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है, राइट बंदा इसके ऊपर खड़ा है और प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, कोई टाइम पीरियड होगा उससे उसने ओमेगा निकाला, तो ओमेगा आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एन, इस मैन का नॉर्मल रिएक्शन जब प्लेटफॉर्म दोनों एक्सट्रीम्स पे है, एक बार अपर एक्सट्रीम एक बार लोअर एक्सट्रीम, कोई डाउट इसमें, सबसे पहली चीज ऐसी देखो ये तो क्वेश्चन है थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर लें,
बहुत लोग उसमें बैठे होंगे, कोलंबस, वो मेले में जाओ तो वो पूरी वो चल जो जोश में बंदा पीछे बैठ तो जाता है, फिर बाद में सोचता है कि यार कहाँ फंस गए, ये वही वाली सीट है एंड वाली, ठीक है। और वो सीट पे बंदा चला जाता है, जब वो टॉप पे पहुंचती है और नीचे आती है, पैर हवा में उठ ही जाते हैं, बंदा बोलता नहीं, दिखाता है दूसरे को, देख मजा आ रहा है ना, आ रहा है, मजा ही आ रहा है। वो अंदर से वो बंदे को लगता है यार बस अब की बार तो चढ़ गया, जाऊं देखेंगे अगली बार नहीं चढ़ूंगा, ठीक है लोगों को ही भेजूंगा। होता क्या है, ये पैर ऊपर उठ क्यों रहे हैं, ये रहा सूडोफोर्स, क्योंकि कोलंबस कहाँ गिर रहा है, नीचे, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, बहुत तेजी से नीचे आएगा, सूडोफोर्स अपवर्ड, अपवर्ड फील फील करोगे। लेकिन जब वो नीचे चला जाता है और आपको वो लोग ऊपर दिख रहे हैं, आप सेफ फील करते हो, क्योंकि नीचे जाता है, अब आप ऊपर तो कैसे रहे, तो नीचे गिरोगे, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे मूव कर रहा है। मान लो कि हाईएस्ट एक्सट्रीम पे है, हाई एक्सट्रीम से ये प्लेटफॉर्म कहाँ गिरने की कोशिश करेगा, नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगी प्लेटफॉर्म की, हाईएस्ट मैक्सिमम कितनी, ए ओमेगा स्क्वायर, तो मैन के ऊपर क्या लगेगी, ऊपर की तरफ सूडो फोर्स, तो ये प्लेटफॉर्म तो नीचे गिरेगा, सूडो फोर्स ऊपर एक्ट करेगी, कितनी, मैन का मास इनटू एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर। नॉर्मल रिएक्शन N1 है और मैन का वेट Mg है, तो हमने लिफ्ट वाले केस किए, ऐसे करते थे, सूडो फोर्स से अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो ऊपर की फोर्स क्या है N1, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू Mg, N1 आ गया। कोई कहेगा लिफ्ट का फॉर्मूला नहीं लगा, तो लिफ्ट का फॉर्मूला क्या था, लिफ्ट जब नीचे गिरती है नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम इंटू जी माइनस ए, एम कॉमन आ गया, जी माइनस ए, ए की जगह ए ओमेगा स्क्वायर, सीधा शॉर्टकट भी लगता है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। लेकिन जब ये नीचे होगा, जब ये नीचे होगा प्लेटफॉर्म, अब कहां आने की कोशिश करेगा, ऊपर, तो अगले एक्सट्रीम पर भी एक्सेलेरेशन ऊपर जाने की क्या होगी, मैक्सिमम। प्लेटफॉर्म अगर ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स नीचे मैन की, मैन का अपना वेट कितना है Mg, और नॉर्मल रिएक्शन N2, तो लोएस्ट पॉइंट पर क्या लिखेंगे, N2 इज इक्वल टू Mg प्लस MA, आंसर N1 N2। कोई कहेगा लिफ्ट का सीधा शॉर्टकट लगा दें, लगा दो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो एम इंटू जी प्लस ए, तो जी देखो एम कॉमन आ गया, जी प्लस ए की जगह ए इंटू ओमेगा का सीधा लगा हो, ठीक है यहां तक बता दिया, फ्री बॉडी डायग्राम ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट है, देर आर टू पेंडुलम्स, दो पेंडुलम है और दो पेंडुलम्स का टाइम पीरियड गिवन है, एक टी और एक 5T/4। एक पेंडुलम अपना पूरा चक्कर कवर करता है इन टाइम टी, और दूसरा कवर करता है इन टाइम 5T/4। 5T/4 ज्यादा बड़ा नहीं है टी से, बड़ा है, कितना बड़ा है, T/4 बड़ा है। तो यानी कि एक पेंडुलम टी में पूरा करता है चक्कर, दूसरा लेट कर रहा है 5T/4, ठीक हो गया। आपको बताना है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, एक ऑसिलेशन में कैलकुलेट दी फेज डिफरेंस, एक चक्कर जब कंप्लीट होता है तो दोनों में फेज का क्या डिफरेंस है। जब बात फेज की आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कंपेयर करना है अपनी जर्नी को विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि फेज कहां बनते हैं, सर्कल के सेंटर पे बनते हैं। फेज का मतलब क्या होता है, सर्कल में बना हुआ जो एंगल है उसको फेज बोला करते थे, याद करो ओमेगा टी फेज था। तो जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे इसे विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आंसर नहीं आएगा। कंपैरिजन कर लेते हैं, तो अगर कंपैरिजन करना है, अगर कंपेयर करना है तो देखो कैसे कंपेयर करेंगे। ये एक सर्कल है जिसमें ये बॉडी जो है मूव करेगी, तो सर्कल में अगर वो यहां से चलती है और घूम के यहां से यहां वापस आती है, तो टाइम टेकन कितना है टी, टाइम टेकन कितना है टी। और दूसरा जो दूसरा अगर पेंडुलम है उसका भी सर्कल बनाया जाए तो उसका टाइम टेकन कितना है 5T/4, वो स्लो है। जितनी देर में ये अपना चक्कर पूरा करेगी, ज्यादा टाइम लगा रही है, उतनी देर में जल्दी चलने वाला पेंडुलम तो एक चक्कर पूरा करके और आगे निकल जाएगा। तो बताओ कितना आगे निकल जाएगा, T/4,
फोर दोनों को माइनस करेंगे टी बाय फोर, यानी कि जब स्लो वाला अपना एक चक्कर पूरा करेगा तो तेज वाला चक्कर पूरा कर चुका है और वो यहां पर पहुंच चुका है, क्योंकि यहां से यहां जाने में डिफरेंस कितना होता है, टी बाय फोर। यानी कि अब आपको एक चक्कर के बाद दिखेगा कि एक पेंडुलम यहां दिखेगा तो दूसरा आपको कहां दिखेगा, यहां दिखेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें, टी बाय फोर। टी बाय फोर का मतलब एक क्वाड्रेंट का डिफरेंस है, तो सेंटर पे एंगल का बोलो कितना डिफरेंस है, 90। आंसर इज पाई बाय टू। समझ में आया कैसे? यू हैव टू कंपेयर योर मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और जो भी दो पोजीशन बनेगी उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा एंगल का, वो फेज डिफरेंस होगा। मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका बताता हूं, बस ये बता दो एक चक्कर जब कंप्लीट होता है कैपिटल टी टाइम का तो सेंटर पे एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई। आप सिंपली करना, अगर मान लो 5t/4 और t दो टाइम गिवन है, इनका डिफरेंस निकाल लो कितना आ गया, t/4। t कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ 2 पाई, t का मतलब सेंटर पे एंगल कितना है, 2 पाई, तो रिप्लेस कर दो 2 पाई, सीधा आंसर क्या आएगा, पाई बाय 2। इससे आसान क्या होगा, अगर मान लो एक मान लो टाइम गिवन है आपको 8/70 और दूसरा t गिवन है, तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें टी की जगह सिंपली क्या रिप्लेस कर देगा, 2 पाई, सीधा फेज डिफरेंस आ जाएगा, बात ही खत्म है। शॉर्टकट बता रहा हूं, वैसे एक्चुअल तरीका भी बता दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें, आइडिया समझ में आ रहा है, ये टाइम पीरियड से फेज का क्या लेना देना है। कंपेयर योर मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तभी आंसर आएगा। नेक्स्ट है, टू SHM आर रिप्रेजेंटेड एज, दो SHM है एंड आर रिप्रेजेंटेड एज Y1 इज इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3 और दूसरी इज 0.1 कॉस ऑफ 100 पाई टी, ये गिवन है। मैंने क्या पूछा, फाइंड फेज डिफरेंस। अब इक्वेशन जब गिवन होती है और मुझे फेज की बात करता है तो सबसे पहला ध्यान इन एंगल्स पे जाता है, क्योंकि एंगल्स को ही फेज बोलते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता था फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन देम, बस। तो मैं सीधा क्या करता, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस करने का मन तो मेरा बहुत करता, मैं कर ना पाता क्योंकि एक साइन है और एक कॉस है, तो मैं कुछ मैथ मूथ लगाता या दोनों साइन में कन्वर्ट करता या दोनों कॉस में कन्वर्ट करता और फिर मैं उन्हें माइनस करता तो मेरा आंसर आ जाता। पर वो जो फेज डिफरेंस आता वो डिस्प्लेसमेंट्स का आता, उसने मुझे डिस्प्लेसमेंट्स का फेज डिफरेंस नहीं पूछा, उसने किसका पूछा, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज। जब तक मैं वेलोसिटी नहीं निकालूंगा मेरा आंसर नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले वेलोसिटी निकालते हैं। वाई वन गिवन है, वेलोसिटी क्या होती है, वी वन इज डी वाई वन बाई डी टी, वाई वन की जगह पूरे का पूरा पुट किया तो वी वन इज इक्वल टू 0.1 साइन की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, कॉस ऑफ सेम एंगल इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल। कैलकुलस याद है ना, इसीलिए करवाया था कि यहां दिक्कत ना आए। डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म, डी टी बाई डी टी वन है 100 पाई, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 100 पाई बाहर आ गया और कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0, तो अल्टीमेटली आपके पास ये बच जाता है। तो पहले आप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालेंगे तभी आंसर आएगा। मेडिकल में आ सकता है, ये ना सोचे कि नॉन मेडिकल के लिए, मैं बता दूंगा जिस जो आने वाला होगा। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ये आपके पास वी वन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज वी टू, वी टू के लिए काम करना पड़ेगा, वी टू के लिए वाई टू लिखो, वी टू इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वाई टू, वाई टू को पूरे का पूरा यहां पुट करो, 0.1 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, कॉस की डिफ्रेंसिएशन मैथ्स में ऑफ एंगल इंटू डी बाई डी टी ऑफ एंगल, डी टी बाई डी टी वन है और 100 पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वी टू आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि वी वन चल रहा है कॉस में, वी टू चल रहा है साइन में, तो मेडिकल के लोग ध्यान से देखेंगे दोनों को या तो साइन में बना लो या दोनों को कॉस में बना लो। तो ध्यान से देखेंगे मैंने क्या किया, माइनस इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, माइनस हटा दिया, यहां पे साइन को कॉस में कन्वर्ट करके लिख दिया पाई बाई टू प्लस 100 पाई टी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि पाई बाय टू प्लस समथिंग का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो जब इसे ओपन करेंगे तो कॉस किस में कन्वर्ट, कॉस जो होगा आंसर क्या देगा, माइनस, और पाई बाय टू है तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका और इसका मतलब एग्जैक्टली सेम है।
मेडिकल के लोगों को थोड़ा सा अच्छा काम करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स के ऊपर कि कैसे ये कोऑर्डिनेट्स काम करते हैं। नॉन मेडिकल वालों को तो समझ में आ रहा होगा कैसे किया। अब V1 V2 दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? कॉस में। अब क्या निकालना है? फेज डिफरेंस, बड़े में से छोटा एंगल माइनस कर दो आंसर। तो वेलोसिटी का ये एक एंगल है फेस, वेलोसिटी का ये एंगल है फेस। अब दोनों कॉस में चल रहा है तो इस एंगल में से इस एंगल को या बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, फेज डिफरेंस आ जाएगा आंसर। बाकी तो कोई चक्कर ही नहीं है, मेन चीज है इक्वेशंस को सेट करना कि कैसे आप कॉस कॉस में या साइन साइन में करते हो, बस यही चीज है। और स्पेशली जो मेडिकल वाले हैं, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आता प्लीज मार्क कर लें और जाते हुए कोऑर्डिनेट से समझ लें, मार्क कर लें अगर नहीं समझ में आता। हाँ, ये नहीं बता सकता कि मुझे अगली बार पता कैसे लगेगा कि इसको ऐसे करना है, मैं सही समझ सकता, प्रैक्टिस है तो कोऑर्डिनेट्स की। अगली बार क्या क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं पता, पर आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक, नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये किसी कंपटीशन में, नीट या मेंस दोनों में से एक में पक्का मैं वहीं से लेके आया हूं। देखो क्वेश्चन इज, इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ बॉडी इन SHM इज वी मैक्स, मैक्सिमम स्पीड की जगह ना मैक्सिमम वेलोसिटी कर लो पहले तो ऐसे, इफ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन SHM इज वी मैक्स, तो मुझे क्या निकालना है? फाइन एवरेज स्पीड। तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। देखो मैंने इसलिए अलग अलग करवाया क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में फर्क होता है। वेलोसिटी एवरेज का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और जो एवरेज स्पीड है इसका मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, जैसे एक पेंडुलम है, अगर मैं ये बोलता हूं मेरा पेंडुलम देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक चक्कर पूरा करता है, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ए ए ए और ए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कहा जहां से स्टार्ट हुए वहीं पर वापस आ गए। डिस्टेंस कितना है? ए ए ए और ए, फोर ए। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, नहीं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? ए ए ए और ए, कितना? 4a, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना जाने और आने का? कैपिटल टी। को डाउट इसमें? पर क्योंकि मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल टी गिवन नहीं है, तो मैं अपना आंसर कैपिटल टी की फॉर्म में निकालूंगा नहीं, ना a की फॉर्म में निकालूंगा, वी मैक्स की फॉर्म में निकालूंगा। कैपिटल टी को लिखूंगा 2π बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर आ गया, याद करो a क्या होती थी? मैक्सिमम वेलोसिटी। आंसर आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, वाह करना चाहिए फिर तो यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ठीक, समझ में आ रहा है, आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और थोड़ा ध्यान रखना है। राइट, SHM बहुत बड़ा है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो इसलिए बड़ा है क्योंकि हर चैप्टर इन्वॉल्व है इसमें, कुछ भी बनाएगा कुछ भी। मैं बात बहुत असाइनमेंट्स मैंने आपको दी हैं, कर लोगे तो क्लियर हो ही जाएगा SHM, पक्की बात है, दम चाहिए असाइनमेंट्स करने का इतना। ठीक, देखो ये क्वेश्चन या तो ठीक तरह लिखा नहीं मैंने या स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, बताता हूं क्या दिक्कत है, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें क्या दिक्कत है। तो देर आर, इसके ना कई आंसर बन सकते हैं, दरअसल बताता हूं कैसे। देर आर टू SHM, आप नोट करो, अभी दो चार क्वेश्चन से वो हर क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर रहा है, टू SHM। कॉम्पिटिशन में टू, दो चीजें इकट्ठी चलाने की आदत है उसको। तो देर आर टू SHM ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए, तो दो SHM है और एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों की ए है, मतलब दो पेंडुलम है और दोनों के दोनों ए एम्पलीट्यूड के है, एंड फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड टू ओमेगा, चलो इनमें फर्क है, एक का टाइम पीरियड अलग है एक का अलग है, तो एक के लिए ओमेगा, एक के लिए टू ओमेगा, एम्पलीट्यूड दोनों के लिए सेम। आगे, एंड इंप्रेस्ड ऑन द बॉडी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, तो दो SHM एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे,
इफ इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई बाय टू. अब देखो यानी कि एक अपनी नॉर्मल पोजीशन से स्टार्ट हुआ, दूसरा या तो पाई बाय टू आगे स्टार्ट हुआ या पाई बाय टू पीछे स्टार्ट हुआ. तभी तो कह रहा है फेज डिफरेंस कितना है पाई बाय इनिशियल. इनिशियल का मतलब पेंडुलम की बात करते हो तो नॉर्मल पोजीशन से एक तो स्टार्ट हुआ पर दूसरा स्टार्ट नहीं हुआ. याद है फाई लगाया करते थे इनिशियल फेज, मतलब एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ होगा, तभी तो पाई बाय टू की बात हो रही है. मतलब रिलेट कर पा रहे हो. तो वो कह रहा है एक मूव करता है एक्स एक्सिस में, एक मूव करता है एक्सिस में, और इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है उनमें पाई बाय टू. कह रहा है एक्स और वाई का रिलेशन मार्क करो ऑब्जेक्टिव में, क्या करेक्ट रिलेशन है, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई. नॉन मेडिकल के अंदर स्पेशली प्रॉब्लम्स को देखा गया है. एक्स और वाई के बीच में हम लोकस भी निकालते हो मैथ्स में, लोकस मतलब रिलेशन निकालो उसका, तो ऐसा क्वेश्चन आता है. तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया, पहले इक्वेशन बनाएंगे एक्स और वाई की तभी आंसर आएगा. तो एक इक्वेशन मैंने बनाई वाई इज इक्वल टू, मान लो वाई के लिए ए साइन ओमेगा टी नहीं, ए साइन टू ओमेगा टी, क्योंकि ओमेगा नहीं है टू ओमेगा चल रहा है. और फर्स्ट के लिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि एक्स के लिए फ्रिक्वेंसी कितनी है ओमेगा. लेकिन क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना है पाई बाय टू, तो साथ में क्या लिख दिया मैंने पाई बाय टू. अब क्वेश्चन यहां पर गड़बड़ है, उसको ये बताना चाहिए था कि x वाला SHM आ गया या y वाला आ गया है. कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैं तो यहां पाई बाय टू ऐड करूंगा, तो भी तो फेज डिफरेंस पाई बाय टू है. हाँ, कर सकते हो. कोई कहेगा कि पाई बाय टू आगे क्यों है, पाई बाय टू माइनस कर दूंगा पीछे, क्योंकि डिफरेंस तो पाई बाय टू ही रहेगा ना इन एनी केस. तो कुछ भी हो सकता है, उसको मेंशन करना चाहिए था कि x की जो डिस्प्लेसमेंट है वो y के डिस्प्लेसमेंट से पाई बाय टू आगे है. इसको ऐसे लिखा जाता है फिजिक्स में कि x leads आगे y by an angle of pi by 2. इसका मतलब होता है x का फेज pi by 2 आगे है, तो x के एंगल में क्या ऐड करना पड़ता है pi by 2. कभी कभी ये लिखा जाता है x lags y by an angle of pi by 2. x यानी कि पीछे चल रहा है y के एंगल से by an angle of pi by 2. तो अगर lag वर्ड यूज करेंगे तो माइनस pi by 2. तो आप को अगर ये क्वेश्चन गिवन हो या मुझे गिवन हो तो मैं ये ना जज कर पाऊं कि पाई बाय टू इसे दूं या पाई बाय टू इसे दूं, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही है आगे या पीछे. इसलिए कह रहा हूं इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. तो चलो मान लो एक मिनट के लिए मैंने आपको कह दिया एक्स आगे चल रहा है, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं पाई बाय टू. करने का तरीका बड़ा सिंपल है मैथमेटिकल. एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है तो वाई को लिख सकते हैं साइन ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में चलता है टू साइन थीटा कॉस थीटा. साइन टू ओमेगा टी को लिखेंगे टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. वाई की वैल्यू आ गई. एक्स की वैल्यू हमारे पास हमें पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. साइन ऑफ 90 प्लस समथिंग अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट है. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किस में, साइन पॉजिटिव होता है और पाई बाय टू की वजह से साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में. तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये वैल्यू सबको पता है. तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी वैल्यू आ गई कॉस ओमेगा टी की, राइट. अब मैंने क्या किया, इस वाई को लिखा टू ए, साइन ओमेगा टी को लिखा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, एक ही बात है, और इनटू कॉस ओमेगा टी. तो इस कॉस ओमेगा टी की जगह एक्स बाय ए, इस कॉस एक्स ऑप्शन में आपको ऑप्शन मार्क करने को मिलेगा एक्स और वाई का लोकस है. तभी कह रहा हूं नॉन मेडिकल में ट्रिग्नोमेट्री चलती है ना तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, मेडिकल में थोड़ी कम है प्रोबेबिलिटी, मेडिकल में सीधा क्वेश्चन आता है. पॉइंट समझ में आ रहा है स्पेशली नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को कि कैसे उसने निकाला. मेडिकल वाले छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा आपको ऐसा लोकस का क्वेश्चन आता नहीं है. आपकी नीट बुक्स उठा लें उसकी, बहुत सिंपल पेंडुलम पे आता है यार आपको, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन. डाउट है पूरे एंगल को मैसेज, हाँ वो भी एक प्रॉब्लम है, राइट. ये भी स्टेटमेंट गलत है इसकी, राइट, ठीक बोल रहा है. उसने कहा जो फेज डिफरेंस होता है वो पूरा एंगल को एंगल माइनस करके आता है, और टू ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस कैसे होगा, तो आंसर पाई बाय टू बचेगा नहीं. तो उसको ना कुछ एक्सक्लूसिवली बताना चाहिए था कि ओमेगा टी टू ओमेगा टी में टोटल फेज डिफरेंस पाई बाय टू नहीं है, वो इनिशियल फेज पाई बाय टू है. देखो फेज डिफरेंस होना अलग चीज़ है, इनिशियल फेज होना अलग चीज़ है. इनिशियल फेज का मतलब होता है कि बॉडी अपनी मीन से स्टार्ट नहीं हुई, पाई बाय टू आगे से स्टार्ट हुई. फेज डिफरेंस का मतलब होता है कि दोनों का एंगल का डिफरेंस पाई बाय टू है. तो यहां पे इनिशियल फेस है वो, मतलब जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है प्लस पाई बाय टू, ऐसा है फर्क है दोनों में. पर इन एनी केस में फिर कह रहा हूं क्वेश्चन की स्टेटमेंट
में कुछ गड़बड़ सी है और वो इक्वेशन बनानी मुश्किल है फिर स्टेटमेंट को देख के, बट पॉइंट्स ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत एक बार क्वेश्चन प्लीज रीड कर लें तो थोड़ा बेटर है। नेक्स्ट टाइम आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो का ऑब्जेक्टिव टेस्ट 10 क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस वो 18-20 शीट थी, बस नहीं है वैसे। हाँ नेक्स्ट क्लास में नहीं है ना, हर क्लास में होना है, और संडे को ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाएगा और कारनोट हो जाएगा क्लोज, और क्या ठीक है ना, और फिर ट्रायल टेस्ट होगा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट फुल सिलेबस का। अब ये ट्रायल ही चल रहा है वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये टेस्ट नहीं चल रहे, ये तो आपकी मोटिवेशन है कि मैं तो थोड़ा करके कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ट्रायल चल रहे हैं, मैंने कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रखी आज के टेस्ट में, सिंपल टेस्ट है, फेस टेस्ट है, बहुत सिंपल तरीके से चल रहे हैं, जस्ट एक रिवाइज करवाने के लिए, दैट्स इट। फिर फुल सिलेबस आएगा उसका भी पहले ट्रायल लूंगा, पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर आप एक बार करके देखोगे, फिर आपको फाइनल सेकेंड टेस्ट आएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो एक बारी में दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके अब करेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, देखे देखो इस क्वेश्चन के अंदर एक मास एम है एंड उसका एम्पलीट्यूड कितना है SHM में, ए है, सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल अल्फा एक्स रेज टू पावर 4 क्वेश्चन में गिवन। अब प्रॉब्लम ये है जो स्टूडेंट पेपर में कर रहा होगा वो कहेगा यार याद करवा के पूछा था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर या एक्स, ये कह रहा है अल्फा इंटू एक्स की पावर 4, तो इसने क्या किया, सबसे पहले आपका याद किया हुआ फॉर्मूला फेल हो गया, उसने अपना ही कोई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया। अब आप अपने फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, अब आपको इसी का यूज करना है, और आपको क्या निकालना है, आपको एक्स निकालना है, कब, जब पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये गिवन है, ठीक ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पढ़ लो। ठीक, तो सबसे पहली चीज मुझे क्या गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी का की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स की पावर 4, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा, अगर मैं एक्स को डिस्प्लेसमेंट को ए पुट कर दूं मैक्सिमम, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज टोटल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज टोटल एनर्जी, ये समझ में आती है इस लाइन, अगर देखो टोटल एनर्जी सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, अगर पोटेंशियल मैक्सिमम है तो काइनेटिक जीरो है, मिनिमम वैल्यू जीरो होती है काइनेटिक की, तो इसलिए बोला जाता है कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी एक ही बात है, तो इसीलिए अगर मैं एक्स को ए पुट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आती है, उसका दूसरा नाम क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करेंगे तो क्या आएगी काइनेटिक, टोटल एनर्जी की वैल्यू हमें पता लग चुकी है अल्फा इंटू ए की पावर 4 और पोटेंशियल की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स की पावर 4, क्या आ गई काइनेटिक। मुझे क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल इज 1/3 ऑफ काइनेटिक, पोटेंशियल मुझे पता है अल्फा एक्स की पावर 4, काइनेटिक मैंने निकाल ली, पुट किया, सॉल्व किया, एक्स आ गया। क्वेश्चन तो मैं कहता हूं ये भी बढ़िया बना दिया, घूम गए होंगे बच्चे अगर पहली बार देखा होगा उन्होंने, अब पता लगा कि पोटेंशियल एनर्जी से अगर टोटल एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले एक्स को ए पुट कर दो, अपने आप टोटल आ जाएगी, और टोटल में से पोटेंशियल को माइनस करोगे अपने आप काइनेटिक आ जाएगी, फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और याद किए हुए फॉर्मूला यहां पर नहीं चलेंगे, आपको खुद बनानी ही पड़ेगी एनर्जी, कोई डाउट इसमें, इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, ठीक समझ में आ रहा है आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन पढ़ ले प्लीज एक बार, आप में से कितने लोग को के एग्जाम जल्दी है फरवरी में, अधिक क्लास है कब, कौन सी फरवरी, कितने लोग हैं जो 10 फरवरी से ही स्टार्ट है जिनके, भवन वाले को तो है ही, कौन स्कूल में हो, गुरुकुल में भी, कब से
टेंथ से, टेंथ मतलब फर्स्ट वीक से स्टार्ट। और ठीक है, आप लोगों को मैं अभी से बता रहा हूँ, डेली सुबह प्लस टू का फोल्डर खोलना है, उसमें रे ऑप्टिक्स करके फोल्डर है, रे ऑप्टिक्स का रोज एक लेक्चर सुनना है या ऑल्टरनेट डेज पे सुनना है। रे ऑप्टिक्स पैरल चलेगा आपका वहाँ पे, आपने सुना भी मेरे घर आते का, आपने रिवाइज कर लेना, आपको वहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर हो भी जाए, हो सकता है बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस हो, आपको एंड में प्रेशर हो जाएगा। कोशिश मेरी यही है, एस एच एम आज ख़त्म है, वेव अगली बार स्टार्ट है, चार या पाँच लेक्चर में वेव निकलता है, चार में भी निकल सकता है, पाँच में भी निकल सकता है, मैं कह नहीं सकता, तो 10-15-12 दिन और लगेंगे, फिर हम ऑप्टिक्स पे आएंगे मान लो 22 या 25 जनवरी तक, तो इनके पास टाइम है, ये 5 फेब या 10 फेब को भी ख़त्म करते हैं, 20 दिन है इनके पास आके, आपके पास नहीं है, आपको ऑप्टिक छूट जाएगा, इट्स बेटर कि आप प्लीज़ अपना काम शुरू कर दें। तो प्लीज़ बताने की जरूरत ना पड़े, कोई स्टूडेंट ऐसा ना कहे एंड में, इसलिए फाइनल में नंबर कम आए क्योंकि पेपर जल्दी थे और ऑप्टिक्स हुआ नहीं था, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, साथ साथ करके जाना है, और टीचर को पता है ऑप्टिक्स ऐड हुआ है तो वो डालेगा भी एंड में, राइट। तो ऑप्टिक्स अच्छे से कर लेना प्लीज, जिनके पहले हैं, जिनके 15 के बाद हैं, कौन है 15 और 20 के बीच में, आप कब से, मार्च में तो नहीं है, पहले है, 15 तक तो टाइम है आपका, तो क्लास में हो जाएगा, कोई बात है, फिर भी अगर टाइम है आप कर सकते हो तो फायदा ही है, नुकसान तो नहीं है, कम से कम करना है कर लेना। किनको, चलो फिर ठीक है, आपको भी नहीं है, मॉडल स्कूल में तो होगा, वो तो एज पर एनसीईआरटी चलेंगे, लंबी जर्नी है। देखो क्वेश्चन इज, ओके चलो फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं, प्लीज साइलेंस, बात बंद करो। देखो क्वेश्चन है, गिवन मास कैपिटल एम, तो कैपिटल एम कोई मास है और एस एच एम में है, राइट, अभी एक ही मास है वो एस एच एम में, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, अब मास छोटा एम इज जेंटली प्लेस, ये जेंटली वर्ड एक दो बार पहले भी आया एक साल में, किन किन टॉपिक्स में ये वर्ड यूज करते थे, फ्रिक्शन में जेंटली, कोई एग्जैक्ट टॉपिक बताओ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, डिस्क घूम रही है, घूमती हुई डिस्क पे जेंटली एक और डिस्क रख दी ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे, एक ब्लॉक जा रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक रख दिया जेंटली ताकि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे और मोमेंटम कंजर्व रहे, तो ये नाम से ही पता लगता है जब वर्ड जेंटली प्लेस्ड की बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इस केस में मान लो ए एम्पलीट्यूड है और कैपिटल एम के ऊपर छोटा एम को जेंटली प्लेस कर दिया
हल्के से प्लेस कर दिया जब कैपिटल एम मूव कर रहा था, और कहां प्लेस किया जब वो किस पोजीशन को क्रॉस करते हैं अपनी इक्विलिब्रियम का मतलब मीन पोजीशन, तो मीन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जैसे ही वो आता है उसी टाइम को स्मॉल एम रख देते हैं और मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। तो बताओ पहले अगर वो मूव कर रहा था अकेला कैपिटल एम तो एम्पलीट्यूड था, अगर अब दोनों मूव क्या होगा ए डैश, क्या ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, किस लोग ज्यादा होगा? कम होगा, सोचो आराम से। मैंने बोला पहले जब अकेला मास मूव कर रहा है एम्पलीट्यूड है ए मीटर मान लो, अब दोनों मूव कर रहे हैं 25 से ज्यादा मूव करेंगे सेम करेंगे, मतलब 10 किलो के ऊपर 20 किलो 30 किलो 40 किलो 50 किलो ढेर लगा दो तो क्या दिक्कत है? अभी भी 25 ही करेगा, क्या फर्क पड़ता है? कैसे करेगा 25? कम करेगा, स्प्रिंग बेचारा मर जाएगा उतने में, तो खींच खींच के तो वो नहीं खींच पाएगा इतना, तो कम करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ए डैश कम हो जाएगा, राइट? ये बात समझ में आती है। तो जो चार ऑप्शन होंगी ना उसमें दो तो ऐसी बनी होती है ज्यादा कम वाली, तो कम पता लग जाता है कि इसमें क्या ऑप्शन इलिमिनेट होंगी, राइट? अब मुझे पता है कि मीन पोजीशन पर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, और मुझे यह भी पता है जब भी कोई बॉडी एसएचएम में है और वो मीन को क्रॉस करती है तो मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एक्सट्रीम पे क्या होती है? जीरो। कोई पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम जो भी है, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो है और मीन पर मैक्सिमम है। तो मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर मास छोटा एम रखने से पहले मोमेंटम कितना है? मास इनटू वेलोसिटी। पहले मास अकेला एम था, वेलोसिटी वी मैक्स थी। अब जब छोटा एम रख दिया तो टोटल मास क्या हो गया? एम एम, और वेलोसिटी क्या होगी? चेंज हो गई, वी मैक्स रहेगी तो वी मैक्स, क्योंकि क्वेश्चन मीन मीन पे है, मोमेंटम कांस्टेंट मीन पे है, m1 v1 m2 v2, मास बढ़ गया तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। पॉइंट्स में आ रहे हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओमेगा, इसकी जगह ए ओमेगा और इसकी जगह ए डैश ओमेगा डैश, क्योंकि टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा और एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं। अब मुझे ये पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होता था, टी इज इक्वल टू 2π√m/k, और मुझे ये भी पता है कि टी इज इक्वल टू 2π√m/k में टी इज इक्वल टू 2π√m/k में टी डिवाइडेड बाई 2π इज इक्वल टू √m/k, 1 ω इज इक्वल टू √m/k, तो ओमेगा क्या जाएगा? √k/m। याद रखना है स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर ये टाइम पीरियड है तो ये ओमेगा है, और पहले मास एम था तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, अब मास कितना हो गया दोनों के साथ एम प्लस एम, तो ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा डैश हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ये स्टेप भी क्लियर है यहाँ तक? तो एक काम करते हैं, इस ओमेगा की जगह यहाँ पुट कर देते हैं √k/m, और ओमेगा डैश की जगह पुट कर देते हैं √k/m+m। ये स्टेप क्लियर है सबको? ठीक, ये स्टेप क्लियर है मोमेंटम कंजर्वेशन, ये स्टेप क्लियर है ओमेगा ओमेगा डैश, √k कैंसल, कैपिटल एम अंडर रूट के अंदर जाएगा m का स्क्वायर / m, तो m बन गया, m प्लस एम अंडर रूट के अंदर जाएगा तो m प्लस एम का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या निकालना है? ए डैश ए की टर्म में, ये इसके नीचे चला गया आंसर आ गया मल्टीप्लाई, तो ए डैश न्यू एम्पलीट्यूड पुराने एम्पलीट्यूड के हिसाब से कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक बढ़िया क्वेश्चन था। एस एच एम भी हो गया, भी हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये वाला कुछ ना करो, ये लिख लोगे स्क्वेयरिंग कर देना, छोड़ो अंडर रूट हटा देना, अपने आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख के आएगा ये अपने आप, छोड़ दो, मेन स्टेप आ गया, उसके बाद मैथ्स है, स्क्वेयरिंग करोगे अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट इज, देखो
बहुत वैरायटी है सचिन के अंदर भी, और अभी तो ये लिमिटेड शीट्स हैं। अगर अभी 2 4 महीने और होते हैं ना, ये नहीं खत्म होना था 10 15 दिन और। वो शीट्स आपको दी है ना जो मैंने, वो आपको ठीक ठाक एफर्ट करना पड़ेगा उसको करने के लिए। मतलब इवन हर साल चलती हैं और लोग फाइनल पेपर के बाद तक भी कंटिन्यू चल रही होती हैं, कईयों की तो एसएचएम वेव चल रहा होता है अभी, क्योंकि जो लोग सच में कंपटीशन क्लियर करना चाहते हैं वो अपने चैप्टर को बहुत थॉरो अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करके छोड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस टीचर ने खत्म कर दिया हम भी चल पड़े आगे। तो नॉर्मली जो लोग निकलते हैं वो अपना एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जब तक उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता पूरी शीट्स करके कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है, अब मुझे पेपर में उतरना चाहिए, तब तक वो प्रैक्टिस करते हैं। यही निकलने वाले स्टूडेंट का मेन करेक्टरिस्टिक है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मान लो ये ट्रॉली है, बात नहीं करो प्लीज, एक ट्रॉली है और एक पेंडुलम है उसके अंदर। तो मान लो अगर एक ट्रॉली है, एक जो है कार है या जो भी है, और एक लेट अस सपोज एक पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ अगर एल है, तो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, राइट? ऐसे ही होगा। वो कह रहा है ये ट्रॉली कहाँ आ रही है, ये ट्रॉली नीचे आ रही है एक्सेलरेट करते हुए, मतलब फ्रिक्शनलेस है सरफेस, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं है ऑब्वियसली, तो ये कार नीचे आ रही है कुछ इस तरीके से। तो ऑब्वियसली इसको कौन सी एक्सेलरेशन नीचे लेके आ रही है? जी साइन थीटा, एनी डाउट? तो जी साइन थीटा से ये ट्रॉली नीचे आ रही है, और अंदर जो पेंडुलम है उसके ऊपर क्या लगेगी? सूडो फोर्स। कहां? पीछे। इसके ऊपर, बॉब के ऊपर कितनी सूडो एक्सेलरेशन लगेगी? जो ट्रॉली की एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, एग्जैक्टली बैकवर्ड डायरेक्शन में जी साइन थीटा। ये जी साइन थीटा एक्सेलरेशन किसकी वजह से है? ट्रॉली की वजह से। और इसके ऊपर खुद ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितनी लग रही है? जी। कहां पर? वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ट्रॉली रेस्ट पे होती, जी साइन थीटा 0 हो जाता, सूडो फोर्स 0 हो जाती, सिर्फ जी बच जाता, तो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता? 2 पाई रूट एल बाई जी। वो ये कह रहा है कि ये रेस्ट पे नहीं है, ट्रॉली एक्सेलरेट कर रही है, तो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बॉब का अपना जी और एक जी साइन थीटा, तो नेट एक्सेलरेशन उस बॉब की चेंज हो जाएगी, और कितनी हो गई? जी डैश। तो अब नया टाइम पीरियड निकालना है उसका, जो कि क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी डैश। तो अगर मैं वेक्टर्स की हेल्प से नेट एक्सेलरेशन निकाल दूं इस बॉब के ऊपर, अब कितनी एक्ट कर रही है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अगर, तो एक्सेलरेशन में फिर कह रहा हूं, अगर सिस्टम रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन सिर्फ जी है, मेरा आंसर बस ये आ जाएगा। पर अगर मान लो वो मूव करता है, ट्रॉली मूव करती है और बॉब मूव करता है, उसके ऊपर दो दो एक्सेलरेशन है, अब मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर सम निकालना पड़ेगा इन दोनों का। तो वेक्टर सम कैसे? इस लाइन ज्वाइन किया तो मान लो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये एंगल कितना होगा? 90। तो टोटल कितना हो गया? 90 प्लस थीटा। तो मतलब दो एक्सेलरेशन काम कर रही है इस बॉब के ऊपर, एक ट्रॉली की वजह से जी साइन थीटा और एक उसकी खुद की जी, और एंगल उनके बीच में 90 प्लस थीटा। तो नेट एक्सेलरेशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जी स्क्वायर जी साइन थीटा का प्लस 2 इंटू जी साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 90 प्लस थीटा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सॉल्व करके माइनस साइन थीटा साइन 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 स्क्वायर, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए, इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो आपके पास ये टर्म आएगी, ठीक? और ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया तो जी स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर जी कॉस थीटा। तो टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी कॉस थीटा। तो कहने का मतलब, अगर आप नई एक्सलेशन निकालोगे जी डाइ, तो आपका टाइम पीरियड उसके हिसाब से चलेगा। अभी सॉल्व करते करते याद आया, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास सिस्टम टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के होता है। किसी ने उसको पानी में डाल दिया, पूरे अरेंजमेंट को, वाटर में, स्प्रिंग को भी और मास को भी डिस्प्लेस कर दिया पानी के अंदर, पानी के अंदर एसएचएम चल रहा है और पानी की डेंसिटी रो है, टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा? नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, क्योंकि ना तो मास चेंज हो रहा है पानी में जाके, ना स्प्रिंग
कांस्टेंट चेंज होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर विल रिमेन सेम कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो कांस्टेंट ही रहेगा, वो मीडियम से इंडिपेंडेंट है। अगर मीडियम होता ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बीच में लगा देता मैं जाके, क्योंकि मीडियम ही तो आ रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन शीट के अंदर बोल रहा हूँ, शीट के अंदर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, वो कहेगा ठीक है स्प्रिंग मास सिस्टम है, उस जो मास को ऊपर नीचे मूव करवाना है वो क्या कर रहा है, पानी में है, अब हवा में आ रहा है, आधा हवा में आ गया, पूरा हवा में आ गया, फिर पानी में डूब रहा है, पूरा टाइम पीरियड कैसे चेंज होगा? अब होगा क्योंकि अब आधा हवा में आधा पानी में, हवा में आ गया और पानी में आ गया। अब बेसिकली क्या होता है, अगर तो पूरा पानी में है, मैं ये नहीं कह रहा अब थ्रस्ट एक्ट नहीं करता, बिल्कुल करता है, पर हर चीज पे करता है। अब प्रॉब्लम ये है आधा हवा में चल पड़ा, आधे पे अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, शीट सॉल्व करना, सस्पेंस है ये, मिलेगा आपको उसमें क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम जो है ना ये आती है कि वो हवा से बाहर निकल रहा है फिर पानी में जा रहा है, ग्राफ प्लॉट करो, वो कहेगा किसी चीज का याद नहीं आ रहा, शीट में है क्वेश्चन, ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता ऐसे चंगे कितने क्वेश्चन, और वेव के तो थर्मो को बीट करते हैं क्वेश्चन। वेव की शीट जो पूरी कर देगा मैं मान ही जाऊंगा उस स्टूडेंट को, तो थर्मो और वेव्स की तो पूरी किताब है मेरे पास, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स के लोगों ने वॉल्यूम लिखे हुए हैं, पूरी किताब का वॉल्यूम इतना मोटा कम से कम 500 पेज का, जिसमें सिर्फ थर्मो एंड वेव के ऑब्जेक्टिव हैं। तो मतलब आते भी तो बहुत है, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं पूरी शीट्स करने के बाद, आपको नीट या मेन में 5, नीट में कम से कम 8-10 क्वेश्चन, 8 तो आ ही जाएंगे कम से कम, 8 8 क्वेश्चन नीट में मिलते हैं, और मेंस के अंदर अगर आपको आज पढ़ लो व्हाट्सएप पे 2 क्वेश्चन थर्मो के आए हैं और वेव्स के, आपको आने ही आने हैं 4 क्वेश्चन, पक्की बात है, एसएचएम मिला के 5, इन शीट में से अगर 5 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलते हैं, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है यार। क्या करोगे मैकेनिक्स कर करके, ये करो ना पीछे से, ये आसान भी है, मैकेनिक्स तो आज भी लिखा है ट्रिकी आएगी, और मैकेनिक्स हमेशा ट्रिकी आती है, मैकेनिक्स लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, ये थोड़ा कम करते हैं, तो इसको और ट्रिकी क्या करोगे, तो पहली ट्रिकी है ठीक, तो इसको अच्छे से मेहनत करो, एंड के चैप्टर्स को बहुत स्कोर हाई आएगा आपका, देख लेना सेलेक्ट हो जाओगे कॉम्पिटिशन में बहुत आराम से ठीक। और पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट इज SHM, देखो SHM विद डैम्पिंग के अंदर हमने किया हुआ SHM विद डैम्पिंग, लास्ट टाइम किया था SHM विद डैम्पिंग के अंदर, मैंने बहुत लंबी लंबी थ्योरी सुनाई लास्ट टाइम, हाँ काम की चीज मैं लाया हूं, लिखी हुई है बस, कुछ नहीं टू द पॉइंट, अगर इसको रिवाइज करना हो ना ये बहुत बढ़िया है। SHM विदाउट डैम्पिंग x = a sin ओमेगा t इक्वेशन समझ में आती है? ये डैश 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 का मतलब ये है कि हमने पूरी किताब में उसको किया, बुकलेट में सॉल्व किया, तो मेरे पास ये आंसर आता था याद करो, मतलब पूरी हिस्ट्री है बीच में ठीक, और ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, डैम्पिंग के साथ इक्वेशन चेंज होती थी याद करो, इसको सॉल्व करते थे ये सॉल्यूशन आता था, और ये क्या आता था इसका एम्पलीट्यूड, कोई डाउट इसमें? तो लास्ट टाइम किया था, और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश में लिख के दिखाई राइट, फिर फोर्स ऑसिलेशन की थ्योरी भी हमने की, और ये सब मैंने इसमें फॉर्मूला फिर से रिपीट ही किए हुए हैं, मतलब उसमें ये था कि थ्योरी ज़्यादा पढ़नी पड़ती थी, मैथमेटिकल कम है, इसमें सिर्फ टू दी पॉइंट फॉर्मूलाज हैं जो मोर देन सफिशिएंट है, वो थ्योरी नहीं भी पढ़ोगे तो भी यहाँ से काम चली जाएगा ठीक। इसके ऊपर मेंस में क्या क्वेश्चन आया इसको देखते हैं, क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर इज, बोला डैम्प्ड, डैम्प्ड का मतलब एनर्जी लॉस होगी, और डैम्पिंग के फॉर्मूला माइंड में आते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेटर इज 1/3 इन 2 सेकेंड, तो एम्पलीट्यूड सेम तो रहेगा नहीं, कितना हो गया 1/3, कितनी देर में 2 सेकेंड में, बोलो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इन टाइम 6 सेकेंड, तो इक्वेशन एम्पलीट्यूड की डैम्पिंग के साथ याद होनी चाहिए, मैंने बोला था आपको माइनस बी टी बाई 2m e टू पावर माइनस बी टी बाई 2m। केस नंबर 1 एम्पलीट्यूड कितना है 1/3, 1/3 का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बाई 3 e raise to power minus b time की जगह 2 divided by 2m, 2 से 2 cancel, correction करो इसमें t हटा दो, सिर्फ क्या आएगा minus b by m, t हटाओ, equation number 1 clear है ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है केस नंबर 2, केस नंबर 2 में I have to calculate the amplitude, इधर देखो I have to calculate the amplitude, amplitude का same formula कब, when time t is equal to 6 second, तो यहाँ 6 second put किया,
सेकेंड, 6 सेकेंड का मतलब है यू कैन राइट 6 एज 2 × 3। एक्सपोनेंट का रूल है, 2 यही रख लिया, 3 होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर? तो ये 6 को लिखा 2 × 3, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो यहां पर क्या बचा माइनस बी बाय एम। करेक्शन करो, 2 हटाओ तो यहां पर आएगा माइनस बी बाय एम, राइट। 3 को ऐसे रहने दो, e रेज टू पावर माइनस बी बाय एम की वैल्यू ऊपर से क्या आई 1/3, तो इसको पूरे की जगह क्या पुट किया 1/3 होल रेज टू पावर 3 ए नॉट बाय 27। मैथ्स वाले अपने जो मर्जी रूल लगा लें, लॉग लूग लगा के भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, मेडिकल वाले देख लें कैसे करते हैं, मैथ्स में तो करते ही आप लोग ऐसे सॉल्व, ये सारा कुछ कर लोगे अगर फॉर्मूला आता होगा सॉल्व हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन आया, इजी है मेरे को लगता है, मैथ्स वालों के फॉर्मूला ही चाहिए था, जिनको फॉर्मूला याद है क्लियर हो गया बस, तभी क्या इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलास। क्लियर है यहां तक? ठीक, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। स्प्रिंग मास सिस्टम है के साथ है, इसका टाइम पीरियड निकालना है, पीरियड निकालना है।
देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सपोज टाइम पीरियड निकालना है आपको स्प्रिंग मास सिस्टम का, जो सपोज एक मास है एम और एम मास को आपने डिस्प्लेस किया बाय वाई, मूविंग पुली है ये, क्वेश्चन में गिवन है, मूविंग पुली लॉज ऑफ मोशन में किया था कि जब आप यहाँ पे टेंशन टी लेते हो तो यहाँ टेंशन टू टी, स्प्रिंग की फोर्स कितनी डेवलप हो जाएगी टू टी, स्प्रिंग में टेंशन कितनी डेवलप हो जाएगी डबल टू टी। जब आप इसको एक्सेलरेशन ए देते हो तो आपको याद होगा यहाँ एक्सेलरेशन ए बाई टू होती थी, जहाँ टेंशन डबल है वहाँ एक्सेलरेशन हाफ है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई है वहाँ डिस्प्लेसमेंट वाई बाई टू, मैंने बताया था क्योंकि वो स्ट्रिंग दो तरफ से फोल्ड होती है वाई एंड वाई, तो ये कितना है वाई, तो ये कितना है वाई बाई टू, तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, माइनस के इंटू वाई, नहीं के इंटू वाई बाई टू, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट इसकी गिवन है इसकी नहीं गिवन, यहाँ निकालनी पड़ेगी आपको वाई बाई टू, तो फोर्स क्या आ गई माइनस के बाई फोर इंटू वाई, फोर्स क्या होती है रिस्टोरिंग मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ए आ गया, ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा आ गया, ओमेगा इज टू पाई बाई टी, टाइम पीरियड आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हर क्वेश्चन होता है, और इसका सीधा रास्ता बहुत बड़ा है, एक शॉर्टकट कराऊंगा, विद इन 60 सेकेंड आंसर आएगा, एक्चुअल तरीका बड़ा है। क्या क्वेश्चन है, आपको दो एसएचएम की बजाय कितने एसएचएम गिवन है, तीन, आपको तीन एसएचएम गिवन है, पहला 2 sin ωt, 4 sin ωt प्लस पाई बाय 6 एंड 6 sin ωt प्लस पाई बाय 3, राइट। उसने कहा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, देखो अगर दो एसएचएम होते तो याद है साइन के कोफिशियंट का स्क्वायर कॉस के कोफिशियंट का, आसान तरीका है, तीन एसएचएम होंगे तो पता है क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें ऐड, इसको इसमें ऐड, मैथ्स वाले लोगों का तरीका ये बनता है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो पहले इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 into 2 into 4 into cos of angle between them, एक तरीका आएगा, फिर जो भी आंसर आएगा वो इसके साथ किया जाएगा। अब इसके साथ करेंगे तो एक प्रॉब्लम है, इसकी इक्वेशन तो पता नहीं क्या बनेगी, वो आपको ऐड करके सी एंड डी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो एक बड़ी सी इक्वेशन बनेगी, नहीं होने वाला, बहुत बड़ा है, एक पेज का सोल्यूशन तो कम से कम है ही है, पढ़ा है मेरे पास जहाँ से बुक से लिया है मैंने, हम नहीं उससे करेंगे, हो भी नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, छोटा तरीका। सबसे पहले तीन एसएचएम है, राइट, तीन एसएचएम में जरा ध्यान से देखना, जो पहला एसएचएम है एक्स वन, उसको प्लीज ध्यान से देखना, मैं सर्कल के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो सर्कल का जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो एग्जैक्टली क्या बनेगा, टू, क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना है फर्स्ट इक्वेशन का, टू, तो आप चेक कर सकते हो आपने यहां पर क्या लिखा, टू, राइट। मान लो ये जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन कितनी है, एक्स वन इज इक्वल टू 2 sin ωt, कोई इनिशियल फेस नहीं है, इसका मतलब ये आपका पेंडुलम या कोई भी बॉडी है वो अपनी मीन पोजीशन से ही स्टार्ट हो रही है और सर्कल में वो यहां से स्टार्ट हो रही है, राइट, साइन ओमेगा टी का मतलब यही। तो मान लो एक मिनट के लिए ये आपकी जो फर्स्ट बॉडी है वो यहां से स्टार्ट हो रही है ऑफ रेडियस टू, रेडियस टू का मतलब एम्पलीट्यूड टू है, जो सेकेंड इक्वेशन है उसका एम्पलीट्यूड कितना है 4, तो अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो उसका एम्पलीट्यूड यानी कि रेडियस क्या निकलेगा 4, तो एक काम करते हैं, ये मैंने 4 बना दिया 4, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो पेंडुलम है या ये जो बॉडी है वो अपनी मीन से स्टार्ट नहीं हो रही, थोड़ी आगे से स्टार्ट हो रही है, और कितना आगे स्टार्ट हो रही है पाई बाय 6, देखो ना इनिशियल फेज कितना गिवन है इसमें पाई डिवाइडेड बाय 6। जो तीसरी इक्वेशन है उसका रेडियस क्या बनेगा 6, एम्पलीट्यूड 6 है, चेक करो वो देखो कोफिशिएंट, और वो अपनी मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं हो रही, कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन पोजीशन से पाई बाय 3 से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल फेज कितने पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब यहां से नहीं, पाई बाय 3 आगे से स्टार्ट हो रही है, तो ये तीन वेक्टर देख रहे हो, एक 2 वेक्टर इसलिए बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, 2 4 6, ये देखो सर्कल हटा दिए, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गई, 2 4 6 तीन वेक्टर्स, इसके बीच में एंगल कितना पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, इसके बीच में एंगल कितना पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, ये डायग्राम समझ में आया, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। तो बेसिकली सर्कल्स हटा दिए, सिर्फ तीन रेडियस या तीन एम्पलीट्यूड्स के साथ काम किया, तो पहला एम्पलीट्यूड 2, दूसरा 4, तीसरा 6, इनिशियल फेज समझ में आ गया कैसे किया, बस अब ये वेक्टर का क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, वेक्टर्स के अंदर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है,
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा सकते हो, 4 का एक कंपोनेंट 4 cos 30, 4 sin 30, 6 का कंपोनेंट 6 cos 60, 6 sin 60, ये देखो 2 तो 2 लिख लिया, 4 का एक कंपोनेंट 4 cos 60, 4 sin 60, 6 का कंपोनेंट 6 cos 60, 6 sin 60, तो ये वेक्टर्स और ये वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में नेट एंगल कितना है 90, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, कोई डाउट इसमें? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का शॉर्टकट समझ में आया, वेक्टर और फेजर से सॉल्व कर दिया, राइट right? फिर क्वेश्चन में ये आ सकता है जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका फेज कितना है, फाई कितना है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई इज दिस साइड डिवाइडेड बाई दिस साइड, तो टेन फाई इज इक्वल टू ये साइड हमें पता है ये री, और ये साइड भी हमें पता है, सॉल्व कर लेना, तो यहां से टेन फाई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, क्योंकि वो पूछेगा जो फाइनल एम्पलीट्यूड आया वो उसका इनिशियल फेज फाई कितना है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फाई इन दिस केस। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि तीनों को ऐड करके नई मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी एसएचएम की, तो जो नई इक्वेशन बनेगी वाई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, फाई जो भी आएगा यहां से पुट करना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड जो भी आएगा वो यहां से पुट करना पड़ेगा, आंसर आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने का चांस कम है, बट अगर आज एटलीस्ट आपको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, मैथमेटिकली हैंडल नहीं हो सकता ये वेक्टर से ही हैंडल हो सकता है, बस क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन का तो मुझे वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, देखो शक्ल से दिख भी रहा है आपको, ये कुछ अलग सही है, तो मैं 5 मिनट का या 10 मिनट का वीडियो है मैं अपलोड करूंगा, या मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, एंड में करवाऊंगा, बीच में डर गया मुझसे, मैं एंड में करवाऊंगा, थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक टेक्निक देखो क्या जबरदस्त टेक्निक निकाली निकालने वाले ने, और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, इसका मॉडिफाइड है, मैंने थोड़ा आसान करके लिखा है। अगर आपको एक स्प्रिंग और एक जैसे एक स्फेयर का कॉम्बिनेशन इस टाइप से गिवन है, और ये स्प्रिंग इसके सेंटर पे इस तरीके से अटैच्ड है कि स्प्रिंग टू एंड फ्रो मूव, और स्फेयर घूम रहा है, रोल कर रहा है, कभी आगे रोल कर रहा है, कभी पीछे, एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम मीन एक्सट्रीम। एडवांस में क्वेश्चन आया था, एक डिस्क है, डिस्क के बीच में से इमेजिनरी रॉड है मासलेस, एक स्प्रिंग यहां पे, एक स्प्रिंग यहां पे, दो स्प्रिंग के साथ डिस्क आगे जाता है, डिस्क पीछे आती है, आगे आती है, पीछे आती है, करो एसएचएम, इसका टाइम पीरियड निकालो। डिस्क और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, डिस्क में कितने स्प्रिंग है, दो, एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट और राइट में जो दो स्प्रिंग्स हैं, दो स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या आएगा, 2k, एक लगा लो, फिर क्वेश्चन सेम बन गया, बस एक उसमें 2k था, इसमें k है, इसमें स्फेयर है, उसमें डिस्क है, आप सिर्फ टेक्निक पे फोकस करो, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो वो भी हो जाएगा। तो पहला मेथड ये है कि एक स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी रोल कर रही है, आप रिस्टोरिंग फोर्स ढूंढें, रिस्टोरिंग फोर्स से ओमेगा की वैल्यू। लेकिन स्प्रिंग और इस टाइप का सिस्टम करने का एक बहुत सही तरीका है जिससे टाइम पीरियड बहुत जल्दी निकल, आपने क्या करना है, इमेजिन करना है कि आपने पूरे अरेंजमेंट को एक्स डिस्प्लेस कर दिया, जब आपने एक्स डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड रोलिंग एनर्जी याद है, हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो जब आपने इसको एक्स डिस्प्लेस किया तो टोटल एनर्जी का ये किसी भी टाइम पे ये फॉर्मूला है, और स्फेयर के केस में 2/5 है, अगर डिस्क होता तो 1/2 हो जाता, बस यही फर्क है। तो टोटल एनर्जी सॉल्व की जो कि ये आ गई, राइट, किसी भी इंस्टेंट पर टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट है, और मुझे पता है किसी भी टाइम पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो, क्योंकि कांस्टेंट एनर्जी टोटल कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन करो टाइम के साथ जो कि जीरो आएगी। एनर्जी की वैल्यू को आप उठा के यहां पे पुट करें, डिफरेंशिएट करें हाफ के, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x dx / dt 7/10 m, इसकी डिफरेंशिएशन 2 * वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास * dv / dt इक्वल टू जीरो, राइट, एनर्जी लिखें टोटल, डिफरेंशिएट कर दें इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज जीरो। डीएक्स बाय डीटी क्या होगा, वी, डीवी बाय डीटी क्या होगा, ए, यहां से कॉमन निकाल के वी सेंटर ऑफ मास कट गया, क्या बच गया, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट,
एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास माइनस के 5/7 m, SHM आ गया, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा की वैल्यू कंपेयर करें ओमेगा से, टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड, जबरदस्त टेक्निक जिसने निकाल ली, बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया है, क्या बात है यार, ठीक, बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसने आपकी जिंदगी बहुत आसान कर दी है करने से, नहीं तो लगे रहते रिस्टोरिंग ढूंढने, और रोलिंग में टॉर्क भी लगता, रोलिंग में रिस्टोरिंग फोर्स भी लगती, मिलनी नहीं थी रिस्टोरिंग जल्दी जल्दी, तो जब स्प्रिंग के साथ कोई रोलिंग बॉडी आएगी उसको करने की टेक्निक याद रहेगी, क्लियर है यहां तक, तो कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी लेनी है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, क्लियर यहां तक। और ये एक मेंस का क्वेश्चन है, फिर से प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरा, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो ओके क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक, काइनेटिक एनर्जी के, देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो तो खैर बड़ा क्वेश्चन थर्ड मास का, पर मुझे ऐसा लगता है बहुत सही कैंडिडेट है वो मेंस और नीट का, मुश्किल नहीं था, उसको डिफरेंशिएट किया, एक मिनट में आंसर आता है, ध्यान से देखना प्लीज, काइनेटिक एनर्जी के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऐसे दिखने में थी तो नहीं हमारी, पर चलो जैसी भी है उसने कहा तो ले लिया हमने भी, प्रूफ दैट मतलब ऑप्शन थे y की वैल्यू इसके, तो एक बार बंदा सोता है ये क्या, ये एनर्जी के साथ बहुत यार गेम प्ले करता है, मैंने देखा है, देखो भी एनर्जी का सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया दूसरी बार भी, 2018 के अंदर भी एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, और हर बार एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है, तो मुझे ये तो समझ में आता है कि y इज समथिंग साइन ओमेगा टी, वो समथिंग एम्पलीट्यूड हो सकता है, मुझे क्वेश्चन आती है, यानी कि मुझे मेरा एम्पलीट्यूड इस फॉर्म में निकालना है तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेट कर पा रहे हो इसे, मुझे क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, समझ क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मुझे आती है ना, अब मुझे ये भी पता है कि जो मेरे को काइनेटिक एनर्जी याद है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होती है, और वाई की वैल्यू क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी, ऐसे ही होता है, तो यहां से ए स्क्वायर बाहर आ गया, क्या बचा, वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि क्या होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, आप देख सकते हो यहां से साफ पता लग रहा है, कंपेयर करके ये टर्म क्या आ गई, के नॉट, राइट, चेक कर लो, आपने भी अपना आंसर इस फॉर्म में निकाल लिया, इसने भी अपना आंसर कॉस स्क्वायर की फॉर्म में दिया, तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, के नॉट, के नॉट की इस वैल्यू से क्या निकाल लिया, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से क्या निकाल लिया, ए, इस ए को उठा के यहां पुट किया, ऑप्शन मैच कर लो, आंसर आ गया, क्वेश्चन तो ये भी बुरा नहीं है, ठीक है, क्यों तुमने, ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छा लगा, समझ में आया, और ये भी समझ में आया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रगल ना करनी पड़ती हो, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, तो शीट्स में जितनी स्ट्रगल अभी कर लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा शायद, नहीं, फायदे में रहोगे, तो शीट्स करनी जरूरी है तभी फायदा होगा, बोलो, फिर से देख लो, ध्यान आगे प्लीज, आपने ये लिखा, आपने अपनी एनर्जी कॉस स्क्वायर पे निकाल ली, फिर आपको तो ये गिवन था काइनेटिक एनर्जी, तो आप देखो ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, के नॉट आ गया, यहां से ए निकाल के यहां पुट कर दिया, ए चाहिए था ना, और के नॉट की फॉर्म में ए चाहिए, चेक करो कहां पे, ये वाई प्रूव करना था मुझे, ठीक है,
वाई इज सम एम्पलीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी होता है ना, तो ए तो निकालना ही पड़ेगा ना। और एक और चीज गिवन है, काइनेटिक एनर्जी। उसने अपना फॉर्मूला काइनेटिक का दे दिया मुझे, पर मेरा थोड़ा ना ये फॉर्मूला है, मेरा फॉर्मूला तो ये बनता है। तो इसको इसको कंपेयर करके मैंने ए को के नॉट की फॉर्म में इसलिए निकाला क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑप्शन के नॉट की फॉर्म में है, तो मुझे ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ के नॉट। ऐसा कंपेयर करके निकालना पड़ा मुझे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन कोई ऐसी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। और आज का लास्ट पार्ट एवरेज एनर्जीज, ध्यान से सुन लो। मेंस और नीट का एक और आया हुआ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आंसर सोच के देना। अगर एक पेंडुलम इधर से इधर और फिर वापस इधर आता है कितनी देर में? कैपिटल टी टाइम में, राइट? तो बताओ टाइम पीरियड डिस्प्लेसमेंट का क्या है? टी है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज करे, और करती है कैसे? ये कितनी है मान लो 10 जूल एक्सट्रीम पे, 9, 8, 7 करती करती 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 9, 8, 7 करते करते 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एनर्जी पीरियोडिकली मैक्सिमम 0, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम। इमेजिन कर पा रहे हो? समझ, फिर से समझाऊं, समझ में आ रहा है यहां तक? डिस्प्लेसमेंट तो देख ही रहे हो पीरियोडिकली चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर मैक्सिमम है, नीचे आते आते कम 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 0, फिर मैक्सिमम है, फिर 0 है, फिर मैक्सिमम है। बोलो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप को कितनी देर में रिपीट करती है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं टी बाई टू, कितने लोग बोलते हैं टी, कितने लोग हमेशा की तरह बोलते हैं कि पता नहीं कैसे आंसर दे जा रहे हैं यार, और कितने बोल रहे हैं क्वेश्चन समझ में नहीं आया यार क्या बोल दिया बहुत है लग रहा है ऐसे, खुश हो गए सारे। देखो फिर देखो, मैंने ये कहा टाइम पीरियड का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी देर में रिपीट होती है। आपकी क्लास का टाइम पीरियड ऑल्टरनेट डेज है, मंडे वेंसडे फ्राइडे रिपीट होती है, टाइम पीरियड है। पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट कैपिटल टी में कंप्लीट हो जाती है, तो एनर्जी भी तो रिपीट होती है। एनर्जी की वैल्यू देखो 10 से लेके 0 से लेके फिर 10 से लेके 0 से लेके 10, तो कितनी देर में होगी? हरगुन दिमाग लगाया, कितनी देर में होगी? टी बाई टू सही आंसर है। देखो ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां पर 25 सेंटीमीटर है, चलो यहां से 25 सेंटीमीटर है, 25, 20, 18 करते करते 0, राइट? देखते जाना टी बाई 4 टाइम हो गया, फिर -1, -5, -15, -25, फिर -10, -15 करते करते 0, और फिर 10, 15 और 25, टोटल टाइम इज टी। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव बोलने जरूरी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैटर करता है कि डायरेक्शन मैटर करती है कि आप इधर जा रहे हो या आप इधर जा रहे हो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो हमने टाइम क्या लिया, टी बाय फोर, राइट? टोटल टी आ गया। एनर्जी की बात करें, एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर, डायरेक्शन मैटर नहीं, सिर्फ वैल्यू मैटर करती है। तो देखो 10 जूल 8, 7 करते करते 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जूल से वापस एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल। कोई ये ना कहे सर इधर की 10 की उधर की 10, क्योंकि एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर, तो इधर उधर नहीं करना, डायरेक्शन नहीं बोलनी, वैल्यू 10 से वापस 10 हो गई, तो इधर से इधर आने का मतलब टी बाई 4 और इधर आने का मतलब टी बाई 4, तो हर टी बाई 2, टी बाई 4 प्लस टी बाई 4 का मतलब टी बाई 2, तो पोटेंशियल एनर्जी रिपीट करती है अपने आप को 10 जूल से वापस 10 जूल टी बाई 2, डायरेक्शन नहीं देखनी इसमें, बिकॉज इट इज अ, समझ में आया? तो कोई कहेगा सर डिस्प्लेसमेंट में देख रहे थे, इट इज अ वेक्टर, तो इधर जाना और इधर जाना डिफरेंट होता है, समझ में आया यहां तक? तो एक शॉर्टकट याद करो, अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड कैपिटल टी है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड बोलो कितना, टी बाय 2,
काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड बोल लो कितना, टी बाय टू, उसका भी टी बाय टू। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यहां पर क्या है, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम, फिर 9 8 7 करते करते जीरो, तो जीरो से वापस कितनी, जीरो, तो कितनी देर में, टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर, टी बाय टू। तो काइनेटिक भी अपने आप को टी बाय टू में रिपीट करेगी, पोटेंशियल भी अपने आप को टी बाय टू में ही रिपीट करेगी, कोई डाउट इसमें? तो ये शॉर्टकट याद रहेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा मैं बता रहा हूँ टी बाय टू वाला, और बहुत आता है ये टी बाय टू वाला, मेडिकल में तो आता है, नॉन मेडिकल वालों को ही आता है। ग्राफ प्लॉट करो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के, ग्राफ कैसे करें यार, वो लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू, यही होता है। अच्छा ये बताओ ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही होता है। पोटेंशियल एनर्जी साइन का ग्राफ नहीं बनेगा, मैथ्स में साइन नहीं आया अभी आपके, ये करवा दिया साइन स्क्वायर का, जो भी ग्राफ मैथ्स में करवाएंगे प्लस टू के अंदर कैलकुलेशन करवा दिए, मुझे पता नहीं, साइन स्क्वायर का ग्राफ है नॉन मेडिकल वो प्लॉट करेंगे, ध्यान से मेडिकल कुछ नहीं, मेडिकल वालों को मैं शीट में डाला है वो बाद में आया, नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल वालों को टी बाय टू भूलना नहीं है, समझ में आ रहा है ना कैसे, पोटेंशियल के अंदर साइन स्क्वायर आ रहा है ना। फिर कई बार ये आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करो, काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस, तो मैथ्स के लोग नॉन मेडिकल के, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट मार्क करके आना है, उसमें साइन स्क्वायर मार्क नहीं करना, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, कई बार उलझा लेता है वो नॉन मेडिकल वालों को, मेडिकल नहीं, मेडिकल रिलैक्स करें अभी। क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक, तो मतलब ऐसे नहीं कि पता नहीं एनर्जी का ग्राफ कैसे बन रहा है, वाई की वैल्यू पुट करके कॉस साइन दिखेगा आपको इसमें। और लास्ट ये लास्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में है, ये क्या है अब नई चीज, पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में, सोचा था स्प्रिंग मास सिस्टम एसएचएम में है, सुना था कि वो पेंडुलम एसएचएम में है, डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल जी एसएचएम का मतलब क्या होता है, एसएचएम क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस, तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अपनी वैल्यू को पीरियोडिकली क्या कर रही है, चेंज कर रही है, बोल सकते हैं एसएचएम में है। यार एसएचएम का मतलब पीरियोडिक मोशन, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी पीरियोडिकली में वैल्यूज को क्या करती है, चेंज करती है, इसका मतलब वो एसएचएम में वो ये बोलना चाहता है, और वाकई करती है, पेंडुलम या स्प्रिंग मास सिस्टम में चेक करो एनर्जी अपनी वैल्यू को चेंज करती है पीरियोडिकली, कितनी देर में करती है, टी बाय टू, ठीक टी बाय टू। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे गिवन है, कह रहा है एवरेज पोटेंशियल एनर्जी निकालो, एवरेज कैसे यार, पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, यहां पर मैक्सिमम मान लो 10 9 8 करते करते 0, फिर कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राइट, फिर हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, मुझे एवरेज बताओ क्या है पूरे साइकिल में, टी टाइम में जाने और आने की, जब पेंडुलम जाता है और वापस आता है, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये क्वेश्चन है, ठीक। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका, वन लाइनर, अभी के भी लेक्चर क्लोज हो सकता है, और एक एक्चुअल तरीका, दोनों बताता हूं। अगर आपको याद हो एवरेज प्रेशर निकला करता था प्रेशर के चैप्टर में, जिसमें यह बताया जाता था कि अगर यह एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, आगे यहां पे लिक्विड का प्रेशर जीरो और यहां पर कितना एचरोजी, मेरा क्वेश्चन होता था एवरेज प्रेशर बोलो कितने है, क्योंकि वॉल पे प्रेशर शॉर्टकट था, मिनिमम और मैक्सिमम प्रेशर डिवाइडेड बाय टू कर लेंगे तो आंसर क्या आता था, एच रो जी बाय, याद करो असाइनमेंट, उसी में एक्चुअल मेथड भी लिख के दिया था बाय इंटीग्रेशन, याद आ रहा है। तो जो तो मेडिकल के लोग हैं वो तो इंटीग्रेशन का उनका कोई फायदा होगा नहीं, क्यों नहीं फायदा होगा उनको, इतनी इंटीग्रेशन काम नहीं आएगी, वो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, वो लोग तो करेंगे शॉर्टकट में, बाकी भी कर सकते हैं ऐसे तो,
ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जीरो, अब इससे कम क्या करोगे? और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? जितनी टोटल होती है, टोटल बोलो क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इनटू, यही होती है, ज्यादा से ज्यादा टोटल के इक्वली हो जाएगी, उससे ऊपर तो नहीं हो जाएगी। तो बोलो एवरेज वैल्यू क्या हुई, जीरो प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया, हाफ एम सॉरी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर। ये पूरी कहानी जो लिखी हुई है ना इस पे इतने पेजों की, शॉर्टकट लिख लो सीधा, ये लो तीसरे पेज पे जाके खत्म की कहानी मैंने, आंसर वही आया देखो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर। बढ़िया है, वैसे ही मेथड बुरा नहीं है, लिख लो शॉर्टकट, राइट। तो ये टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम लिखो मैक्सिमम लिखो और फिर एवरेज कर दो, बस लिख लो, क्योंकि इन दी एंड यही फॉर्मूला याद रहेगा आपको, इंटीग्रेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा ना आपको इतना, मेडिकल में तो बहुत ही सही फॉर्मूला है, कुछ करना ही नहीं है, बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हो गया। टेस्ट रह गया यार, या याद ही नहीं दिलाया यार, टेस्ट रह गया, तो बाद में मतलब रहा नहीं, मतलब अभी कर लेंगे, 5 मिनट का टेस्ट तो ले ही लेंगे, ये कोई बात नहीं, एक टेस्ट SHM का तो ले ही लूँ, कि दे लोगे कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट है, क्या फर्क पड़ता है, नीचे तो खड़े ही होते हो। दस मिनट में खत्म हो जाएगा, आज की आज काम खत्म करते हैं, अगली बार दो टेस्ट नहीं हो पाएंगे।